वेलकम फ्रेंड, मैं आप सभी का मेरे चैनल सिविल एक्सपीरियंस के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सीमेंट की बैग को हमें किस तरीके से टोर करना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी बनी रहे। सीमेंट की बैग को हमें जब मंगाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी को बनाए रखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिए और लास्ट में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि सीमेंट की क्वालिटी कितनी कम रिड्यूस हो सकती है टाइम ड्यूरेशन के साथ। तो उससे पहले अब ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीमेंट की बैग को हम जब मंगवाते हैं तो उसको टोर करने के लिए एक बिल्डिंग या फिर शेड प्रोवाइड करते हैं और उसका जो ग्राउंड होता है वो एक ड्राई होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए। उसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर यानी कि फेज नहीं आना चाहिए, ताकि क्या हो कि वो सीमेंट के साथ बॉन्डिंग ना बना ले और सीमेंट की क्वालिटी अच्छे से अच्छी बनी रहे। जिस बिल्डिंग या फिर शेड के अंदर हम सीमेंट के बैग को रखने वाले उस के अंदर कम से कम विंडो और डोर होने चाहिए और वो ठीक तरीके से क्लोज होने चाहिए, ताकि क्या हो कि मॉइस्चर एंटर ना हो पाए और सीमेंट की साथ बॉन्डिंग ना बना पाए। और दूसरा है क्या कि सीमेंट की बैग को हम नज़दीक रखेंगे तो एयर कम टच होगी सीमेंट की बैग को, तो उसको हम क्लोज ही रखेंगे। सीमेंट की जो बैग है उसको रखने के लिए हमें एक मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर बहुत ही ध्यान रखना है कि मॉइस्चर अंदर ना आ पाए। सीमेंट की बैग अगर हम ग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट टच में रखेंगे तो क्या होगा कि ग्राउंड में से जो फेज आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, वो डायरेक्टली सीमेंट की बैग को लग सकता है और वो नीचे रखी हुई बोरिया बिगड़ सकती है या फिर जाम हो सकती है और वो हमें यूज लेने के काम ना आ पाए। तो क्या करना है इसको एवॉइड करने के लिए कि लोअर सरफेस से हमें मिनिमम 150 या 200 mm तक के ऊपर ही सीमेंट की बैग को रखना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल या फिर हम दो ब्रिक का लेयर बना सकते हैं ताकि सीमेंट की बैग ग्राउंड से उच्च दूर रहे और मॉइस्चर लगने के चांसेस कम हो जाए। हम जब टोर करते हैं तो जिस बिल्डिंग या फिर शेड के अंदर हमने टोर की है तो उसके जो आउटर वॉल होती है उससे हमें मिनिमम 600 mm तक सीमेंट की बैग को दूर रखना है या फिर हो सके तो उनसे ज़्यादा रखना है, ताकि डायरेक्टली टच होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मॉइस्चर पकड़ ले और सीमेंट की क्वालिटी बिगड़ सकती है। जितना बन सके उतना हमें सीमेंट की बैग को एक दूसरे के पांच रखना है, ताकि क्या हो कि एयर सर्कुलेशन को सीमेंट के कांटेक्ट में आने का एरिया कम मिले और जितना एरिया कम होगा उतनी केमिकल प्रोसेस है वो कम होगी, तो सीमेंट की बैग को हम एकदम नज़दीक रखेंगे ताकि उसकी क्वालिटी बिगड़ ना सके और उसको एरिया घट के मॉइस्चर ना लगे। अगर हम सीमेंट की बैग की हाइट ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे रखी हुई बैग है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा और वो बैग फट सकती है और सीमेंट बाहर भी आ सकती है और ये वेस्टेज हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो लोअर बैग के ऊपर प्रेशर कम आए, तो वो प्रेशर कम आए उसके लिए भी हमें हाइस कोड के अंदर प्रिकॉशन दी गई है कि सीमेंट की बैग की को मैक्सिमम 10 bag तक ही करना चाहिए रखने चाहिए, उससे ज़्यादा रखेंगे तो प्रेशर बढ़ने के चांसेस है क्योंकि ये एक टांडर है, ताकि हमारी बैग जो है वो इंडिया 50 kg की आती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है लेकिन ये एक एवरेज है और उसकी विड्थ हमें 4 bag या फिर 3 meter तक रखनी चाहिए। वो
जब हम सीमेंट की बैग मंगवाते हैं तो पहले मंगाई हुई सीमेंट पहले यूज हो जाए और बाद में मंगाई हुई बैग बाद में यूज हो, इसलिए हमें उसे प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, जिससे पहले लाई हुई बोरी हम पहले निकाल सके। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सीमेंट की बैग को इस तरीके से रखेंगे कि सीमेंट की बैग के ऊपर जो रिसिप्ट आती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है वगैरह वगैरह, वो हमें बाहर से दिख सके और हम इजीली उसे निकल सके। मॉनसून के सीजन में हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि सीमेंट की क्वालिटी बनी रहे, क्योंकि मॉनसून के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और वो सीमेंट को बिगाड़ सकता है। तो उस सीमेंट को हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेफ रखने के लिए एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल को उसके ऊपर रख देना है, और हमें उस मटेरियल को ठीक तरीके से रखना है ताकि भेज सीमेंट को लग ना सके। डिफरेंट टाइप का सीमेंट हो, अलग अलग क्वालिटी के सीमेंट हो, तो उसे हमें अलग अलग टोर करना चाहिए। तो यही थे वो IS कोड के स्पेसिफिकेशन, या जो हमें CPWD सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से रखना है, और वो सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जाने से पहले ये लास्ट के कितने मंथ तक कितनी उसकी ट्रेंड रिड्यूस होगी, 3 मंथ तक सीमेंट रखेंगे तो उसकी क्वालिटी 20 से 30% घटने के चांस है, 6 मंथ के अंदर 40% और 12 मंथ के अंदर 50%। ये एक एवरेज निकाल के दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप के सीमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और वो हमारे सीजन पे भी लागू होते हैं, लेकिन एक एवरेज है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको ठीक लगे तो घंटे का बटन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले पहले, और आप अपने नॉलेज को अपडेटेड रखते रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दूँ तो कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को भी मेरे चैनल के अंदर रहना पसंद रहे। थैंक यू।